हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राजपूती पोशाक के लिए मगजी किस तरीके से बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। उसके लिए मेरे पास ये कपड़ा है और देखिए, इस कपड़े को इस तरह से एक तरफ से डबल फोल्ड करना है और इसके एक साइड में हमें सिलाई लगानी है। उससे पहले मैं आपको एक मशीन के बारे में बता रही हूँ जिससे मैं खुद यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छी मशीन है और बहुत ही सस्ती भी है। इसके ऊपर अभी 40% डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सिलाई लगा ली है हमने। अब देखिए, हमें इस कपड़े को इस तरीके से बिछाना है और इसका एक कॉर्नर हमें उठाना है और इस कपड़े को हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप देना है। इस तरीके से रखना है इस कपड़े को कि ये जो सिलाई लगाई थी हमने वो कपड़े के बीच में आ जानी चाहिए। कपड़े को एकदम प्लेन कर लीजिए, कोई सलवटें ना रखें इसमें। अब एक तरफ से हमें इस कपड़े की करनी है कटिंग, इस तरफ से हम करेंगे मगजी की कटिंग फिर। अब देखिए, जहां से हमने इस कपड़े की कटिंग की थी उसी साइड से हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो मगजी के लिए हम निशान लगा रहे हैं, हम 2.5 इंच या 2.75 इंच पर निशान लगा सकते हैं आप। उतनी चौड़ी हमें मगजी की कटिंग करनी है। अगर आपको अस्तर वाली मगजी बनाने का वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में है, वो देख लीजिएगा आप। अब यहां से हमें मगजी की कटिंग कर लेनी है एकदम सीधी सीधी। अब ये जो हमने मगजी कटिंग की है इसी को इस बचे हुए कपड़े के ऊपर रखना है और मगजी में कटिंग कर लेनी है इसी नाप में। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इसे यूज किस तरीके से लेना है, उसके ऊपर गुणा किस तरीके से लगाना है। अब हमें सारी मगजी कटिंग कर ली, अब इसकी हम जोड़ेंगे सिलाई लगा कर। देखिए, मगजी को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सारी मगजी जुड़ जाने के बाद हम इसमें गुणा लगाएंगे। गुणे को हमें करना है 1/4 इंच पर कटिंग। गुणा बनाने का वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसीलिए निकाल देनी है जो गुणे पर लगी हुई है। देखिए, हमें मगजी को किस तरीके से करना है। एक साइड से हमें करना है मगजी को फोल्ड और एक तरफ हमें कपड़ा रखना है ज़्यादा ताकि वो हम फोल्डिंग करेंगे। अगर आप बिना फोल्डिंग वाली बनाना चाहते हैं तो मगजी को बराबर कर लीजिए और फिर गुणा लगाइए। इस तरीके से करी गुणे को रखते हुए और गुणे के बीच में हमें सिलाई लगानी है। और नीचे की तरफ धागा आप बिना कपड़े के मैचिंग का मत लगाइएगा वरना गुणा हमें आसानी नहीं होगी लगाने में। और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है वो फोल्डिंग में जाएगा। देखिए, मैं आपको इस तरफ से करके बता देती हूँ वापस से। ये कपड़े को, मगजी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर ये गुणा रखना है और गुणे के बीचों बीच हमें लगानी है सिलाई।
मगजी ज़्यादा बड़ी ना बनाए और एक तरफ फोल्डिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रख दीजिए। इसी तरीके से हमें सारी मगजी बना लेनी है, ना हमें गुणे को खींचना है ना मगजी को, वो ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, एकदम बराबर रखते हुए और गुणे के बीच में सिलाई लगाते जाना है। ये सारी गुणा लग जाने के बाद और सारी मगजी बन जाने के बाद हमें देखना है कि जो भी कपड़ा हमें ज़्यादा या एक्स्ट्रा दिखता होता है उसे हमें कटिंग कर देना है। जब हम फोल्डिंग करेंगे कपड़े मगजी की तो ये जो ज्यादा कपड़ा हमें दिक्कत नहीं देगा। अब सारी मगजी बन जाने के बाद देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि हमें इसे लगाना किस तरीके से है। मगजी लगाने में हमें गुणा मोड़ने में दिक्कत आती है, तो देखिए गुणे को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमें लगा देनी है सिलाई। एक तो ये तरीका है और दूसरा देखिए आप तरीका ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सिलाई ना लगाना चाहे तो इस गुणे को हमें कर देना है फोल्ड और इसके ऊपर कर लेनी है हमें प्रेस, ताकि ये गुणा एक साइड में पहले से फोल्ड हो जाए